हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि के पुनर्वर्ष नक्षत्र और कर्क लग्न में मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति राम का जन्म हुआ था। इस वर्ष 10 अप्रैल को शहर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई गई। रविवार को पूरा शहर राम की भक्ति में तल्लीन दिखा। इसी श्रृंखला में शहर के उत्तर नागपुर परिसर में भी पवार समाज की ओर से श्री रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भजन कीर्तन और रंगारंग कार्यक्रम के साथ रामनवमी का पर्व पवार समाज की ओर से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आज उत्तर नागपुर पवार संगठन के सभी पदाधिकारी और समिति के सदस्यगण और पूरे आज आइए उत्तर नागपुर समाज का पूरा आयोजक है। आज ये नारा प्रभाग नंबर एक और उत्तर नागपुर के सारी जनता को आज अपन महाप्रसाद एक बड़े भव्य महाप्रसाद के रूप में एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज एक भगवान राम के साथ में जुड़ा हुआ है और इसका नेतृत्व पूरा संगठन के साथ में जोर शोर के साथ में ये रामनवमी जयंती बना रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम। आज राजा भोज और प्लस रामनवमी जयंती का मतलब कार्यक्रम पवार समाज की ओर से उत्तर नागपुर पवार समाज क्या क्या कर रहे हैं इसमें महाप्रसाद भजन कीर्तन पूजा पाठ और अतिथियों का सम्मान भी किया है। आपके समाज से क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? हमारे समाज से तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हनुमान जयंती होती है, रामनवमी होती है, दुर्गा नवमी होती है, दुर्गा पूजा, राजा भोज जयंती होती है। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।